उन सब का मकसद श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना था, जिनकी वजह से 3 नवंबर का दिन खास हो गया। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता, तब तक 200 से ज़्यादा कबीलाई मारे जा चुके थे। एक मोर्टार सेल लगने से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और आखिरकार उन्होंने कश्मीर बचा लिया। आज का दिन यानी कि 3 नवंबर कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए याद किया जाता है, और उसमें से एक घटना है 1947 के भारत पाक युद्ध की। उस दिन देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। उन सब का मकसद श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना था। युद्ध के दौरान भारत के 22 जवान शहीद हो गए थे, और उन्हीं शहीदों में से एक थे जिनकी वजह से 3 नवंबर का दिन खास हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। आखिर 3 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हर साल 3 नवंबर का दिन हमारे लिए खास हो गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को क्यों और कब दिया गया था परमवीर चक्र, तो चलिए फिर जानते हैं आज के इस वीडियो में। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी में कमांडर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त पाकिस्तानी सेना ने बडगाम में हमला किया, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा एक अस्पताल में भर्ती थे और अपने फ्रैक्चर्ड हाथ का इलाज करवा रहे थे। उनके एक हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। जैसे ही मेजर शर्मा को हमले का पता चला तो उन्होंने भी वहां जाने के लिए कहा। सेना के अफसरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी मेजर शर्मा नहीं माने और वो बटालियन में शामिल हो गए। 3 नवंबर तक मेजर शर्मा कबीलाई बड़गाम पहुंच गए थे। उन्हें पता था कि ये आखिरी मोर्चा है, अगर यहाँ उन्होंने कबीलाइयों को नहीं रोका तो वो जल्द ही श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे। हैरानी की बात है कि मेजर शर्मा के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, इसके बावजूद भी वो खुद मैगजीन रिलोड करते रहे ताकि उनकी फायर पावर में कमी ना आए। 4 कुमाऊं के जवानों ने कबीलाइयों को लगभग 6 घंटे तक रोके रखा। मेजर शर्मा ने ब्रिगेडियर को मदद भेजने के लिए संदेश भेजा, लेकिन मदद आने में थोड़ी देर थी। मेजर शर्मा ने संदेश भेजा, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफ़ी कम है और हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है और हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये मैसेज मेजर सोमनाथ शर्मा का आखिरी वायरलेस मैसेज था। लगभग 6 घंटे के बाद जब मदद पहुंची, तब तक 200 से ज़्यादा कबीलाई मारे जा चुके थे। उस लड़ाई में कई भारतीय सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कबीलाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी जंग में मेजर सोमनाथ शर्मा भी वीरगति को प्राप्त हो गए। एक मोर्टार सेल लगने से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और पूरे 3 दिन बाद जब उनके शरीर के अवशेष मिले तो उनके पिस्तौल के चमड़े के होल्स्टर से उन्हें पहचाना गया। मेजर शर्मा और उनके साथी अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने कश्मीर बचा लिया। 3 नवंबर 1947 के उस हमले में भारत के वीर मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, और इसके बाद 21 जून 1950 को उन्हें देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।